जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग स्काई बनाना सीखेंगे। स्काई मान लीजिए मॉर्निंग का समय है तो कैसा दिखेगा, दोपहर का समय प्लेन स्काई है तो कैसा दिखेगा, क्लाउडी है तो कैसा दिखेगा, शाम का है तो सनसेट हो रहा है तो कैसा दिखेगा। तो आज हम स्काई बनाएंगे वाटर कलर से। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी नया चैनल है हमारा, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के सब्सक्राइब करने से। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट क्या होता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, जो भी आपके समझ में आए और आप क्या सीखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल पाएगा और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेके आऊँगा। यही है मेरी गुजारिश कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल का लाभ उठा सके। यहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ सिखाया जाता है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा और मेरा ना तो आगे लेने का मंशा है कुछ ऐसा करने का। आप जानते हैं कि इसमें खर्च होता है, इसमें समय स्पेंड होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने कमेंट भी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक हमारा है स्काई का। तो मैंने छोटा छोटा चार भाग में एक A4 पेपर को ले लिया है ताकि मैं आपको चार तरह की स्काई आज बना के दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो है आप लोग इसे देख सके, समझ सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में कैसा होता है कि थोड़ा सा जब सन निकलता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर थोड़ा पिंकिश सा, हल्का सा पिंकिश सा रहता है, मोव सा रहता है। मेरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन दे रहा हूँ। और ये हमारा जो है मोपसा स्काई है, थोड़ा सा मोपसा ही दिखता है, ज़्यादा उसमें ब्राइटनेस नहीं होता क्योंकि वो अंधेरे से सुबह हो रही होती है, तो ब्लूइश ज़्यादा नहीं दिखता, ज़्यादा नहीं दिखता, ये प्लेन टाइप का ही रहता है लगभग। थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ तो ज्यादा डार्क कर देंगे मूवी टाइप पर। देखने देखते ये हमारा थोड़ा सा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम का ये स्काई इस तरह से दिखता है। अब थोड़ा सा मैं इसमें ग्राउंड बना दूंगा तो शायद ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी, तो मैंने थोड़ा सा छोड़ के रखा है ग्राउंड बनाने के लिए। अभी ग्राउंड बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मान लीजिए पहाड़ बनाता हूँ और दूर में पहाड़ है, तो मैंने देखिए उसी मोव में थोड़ा सा ग्रीन जो है शेड ग्रीन जो मैंने घोला था, फिर मैं थोड़ा सा मैंने शेड ग्रीन लिया। और क्योंकि उस समय बहुत ब्राइटनेस नहीं होता है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ें नहीं मिलूँगा, ब्राइट कलर नहीं होगा। और पहाड़
क्योंकि ज़्यादा ब्राइट होता नहीं है उस समय, तो बहुत ज़्यादा कलर हमें मेरे ख्याल से उस समय नहीं दिखते हैं। ये मैं अपनी इमेजिनेशन से बोल रहा हूँ, और मैंने अभी मतलब जो मैंने मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी पूरी तरह से सूर्य निकला नहीं है, थोड़ा सा लालिमा स्काई में है। थोड़ा सा एक छोटा सा लैंडस्केप बना के मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह का स्काई कैसा दिखता है। स्काई तो हमने पेंट कर दिया, लेकिन उसकी सराउंडिंग जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको दिख जाए। यहाँ मैं लैंडस्केप बनाने नहीं बैठा हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा वो समझ में आए, इसके लिए मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राउंड। बस एक सजेशन के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ अभी लैंडस्केप नहीं बना रहा हूँ, मतलब लैंडस्केप बनाने के पर्पज़ से नहीं बैठा हूँ, लैंडस्केप आपको नहीं सिखा रहा हूँ। मैं इस समय ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह का स्काई आपको दिखता कैसा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बाद में थोड़ा क्लियर करेंगे, ये सूख जाएगा तब तक हम दूसरे स्काई पे चलते हैं। अब मान लीजिए प्लेन स्काई है, थोड़ा सा दिन का समय है, और दिन के समय में क्या होता है, आप जब स्काई को देखेंगे तो ऊपर की ओर यानी कि ऊपर की ओर थोड़ा ब्लू दिखेगा, और जहां हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, मान लीजिए ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो इसके यहां पर हमें ब्लू दिखेगा, यहां से थोड़ा हमें येलोइश टोन लेंगे तो ज़्यादा बेटर हमें स्काई दिखेगा। प्लेन रहता है, ज़्यादा उसमें क्लाउड या आप देखेंगे तो होता भी है, कभी आ जाता है क्लाउड छोटा मोटा, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे ना तो, क्योंकि रेनी सीजन का मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं एक गर्मी में स्काई कैसा होता है वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा मैंने येलो लिया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें कोबाल्ट ब्लू या पर्शियन ब्लू वाला स्काई ऊपर से बनाऊंगा तो वो जो है मिक्स हो जाएगा, ग्रीन बीच में ग्रीन आ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग अल्ट्रामेरिन लेंगे तो अल्ट्रामेरिन में ये नहीं होता। जैसे हमने यहाँ अल्ट्रामेरिन लिया, तो अल्ट्रामेरिन में जब ये ब्लू और येलो मिलेंगे तो वो ग्रीन नहीं बनता, ये मैं आपसे आपको कहना चाहता हूँ। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ये बहुत ज़्यादा ग्रीनिश इफेक्ट नहीं देगा। ये देखिए थोड़ा मैंने इसे टिल्ट किया ताकि ये जो है ग्लो थोड़ा सा स्काई हो पाए।
जैसे आप देखेंगे तो ऊपर से डार्क येलो ब्लू आता है और नीचे की ओर जो है वो हमारा येलोइश थोड़ा सा दिखे, और लाइट भी कर सकते थे हम इसे। ज्यादा ब्लू ना दिखा के ये हमारा दिन का स्काई जब हम दिन में देखेंगे हमें कुछ इस तरह से स्काई दिखाई पड़ेगा। अभी इसको भी मैं छोड़ता हूँ, नीचे का ग्राउंड थोड़ा बाद में बनाऊंगा थोड़ा, क्योंकि नीचे का ग्राउंड मैंने इसलिए बनाना के सोचा ताकि आपको ग्राउंड के साथ दिखा सकूँ, ताकि आपको वो एटमॉस्फियर पता चले। अभी थर्ड वाले में हम लोग क्लाउडी, थोड़ा क्लाउड कैसे बनाते हैं, तो एक हल्का सा मैं कलर से ही ड्राइंग कर लूँगा क्लाउड का। मानते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ये, तो मेरा क्लाउड हम बनाएंगे तो कैसा दिखना चाहिए क्लाउड। आप अपना एक रफ क्लाउड बना सकते हैं, डिजाइन ले सकते हैं, और इसमें भी यही देखिए कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड बनेगा अब हम चलिए इसमें सेरेरियन थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग अलग कलर लेके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा अलग अलग काम देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे सेरेरियन लगा रहा हूँ, थोड़ा मैंने इसमें कोबाल्ट लिया और ऊपर की साइड थोड़ा सा बनाया। नीचे की साइड थोड़ा हम ब्लू स्काई पर ही चल रहे हैं, तो इसे और भी तरीके हैं, आगे मैं आपको जब दूसरी क्लास में और भी तरीके बताऊंगा कि क्लाउड को आप कैसे और अच्छे से बना सकते हैं। इसमें मैं आपको एक सिंपल सा बिगिनर्स के लिए है ये जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ, एक बड़े आर्टिस्ट के लिए नहीं है, छोटे जो बिगिनर्स हैं, जो अभी बच्चे हैं जो सीखना स्टार्ट किए हैं उनके लिए है, बड़े आर्टिस्ट तो बना ही लेते हैं।
हर आदमी का, हर आर्टिस्ट का अपना अपना काम होता है दोस्तों। लेकिन जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको सीखने की आवश्यकता है, मैं ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो सीख सके और बहुत ज़्यादा उनको खर्चा ना करना पड़े। दोस्तों हर आदमी का अपना अपना एक स्टाइल होता है हर काम में, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो एक्रेलिक कलर हो, चाहे वो स्केचिंग हो, वो काम को कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये उस आर्टिस्ट के काम पे निर्भर करता है कि उनका स्टाइल क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा थोड़ा अपना अलग स्टाइल होगा। तो देखा दोस्तों आपने, ये मैं बादल बना रहा हूँ और ये मैं थोड़ा क्लाउडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सूख जाएगा तो फिर मैं इस पे काम करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा क्लाउडी वाला स्काई होगा। थोड़ा अभी आगे जाके मैं थोड़ा इसमें और डिटेलिंग करूँगा। और अब मैं शाम का मैं ऑरेंज जो स्काई में ना ऑरेंज रेडिश टोन ज़्यादा होता है, तो हम लोग थोड़ा शाम का भी आज बना के देखेंगे स्काई कैसे बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले जो है यहाँ लिया है गैम्बोज अपना कैमलिन का, और ऑरेंज लिया है। तो इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन यही रखेंगे। अब हम थोड़ा ब्राइट सूर्य बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ये बनाया, लगाया, अभी तो मैं लगा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं थोड़ा चेंज कर दूँ। काम करते समय डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना है। ये देखिए जो मैंने सूर्य बनाया था उसको मैंने मिटा दिया। ये डिसीजन आपको तभी लेना पड़ता है जब आप काम कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं कलर निकालता हूँ।
बर्मिलियन को लेंगे। अब मैं बर्मिलियन निकाल लेते हैं। मैं बर्मिलियन लगाऊंगा। अब यहां पे थोड़ा हल्का सा ब्लू लेंगे और कोबाल्ट, मैंने ऊपर में कोबाल्ट लगाया, मतलब ये ग्रेश बनाया। अब मैं कलर उठा रहा हूँ ड्राई ब्रश से। इस तरह से आप भी जो है कलर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, उस समय मैं कैमरा नहीं देख पा रहा हूँ कि उसमें कैसा शूट हो रहा है, बट मेरा कैमरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपको कैसा दिख रहा होगा मुझे मालूम है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इसे छोड़ रहा हूँ। ये स्काई मेरा एक कंप्लीट हुआ। अब अगर मुझे इसमें थोड़ा सा सूर्य दिखाना है, मान लीजिए थोड़ा मुझे ब्राइट सूर्य सन दिखाना है, तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको ड्राई ब्रश से ऐसे उठा लूँगा और आप देखेंगे कि सूर्य का वो आ गया। हालांकि शाम के समय में सूर्य ही वो ज़्यादा ब्राइट दिखता है, ज़्यादा ही ऑरेंजिश रहता है। बादल उदल तो कम होते हैं, क्योंकि वो जब रेडिश होता है तभी जो है, तो मैं इसको कलर ही करूँगा। क्योंकि ना भी करता तो चलता।
सॉरी मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये स्काई चारों बन के तैयार हैं, बन अभी पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मुझे इसमें क्लाउडी में काम करना है और इसमें मुझे वेस्ट बनाना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दिन का स्काई होता है ना, इसमें हमें कलर डाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमें पेड़ बनाना है, तो मैंने थोड़ा सा येलो लिया और यहाँ पर पहले एक ड्राइंग ये मैं थोड़ा सा ग्रीन मैं टच करूंगा। थोड़ा मैं ग्राउंड बना रहा हूं, तो इसमें मैं पीछे थोड़ा झाड़ियां दूंगा, तो झाड़ियां मैं दूंगा तो थोड़ा वर्मिलियन, थोड़ा शेप ग्रीन, बर्न चाइना मिट्टी है, ग्रास है, वो सब थोड़ा दिखाने के लिए, गड्ढा है, पहाड़ है, कुछ भी मैं अभी कर रहा हूँ, खाली आपको ये सजेशन बताने के लिए कि जो है दोपहर का सीन क्या होता है और डे का सीन क्या होता है। अभी जैसे मैंने इसमें हम इसे सूखने देंगे। अब हम इसके ग्राउंड पर आएंगे। अभी जब क्लाउड है तो थोड़ा सा हम इसमें भी जो है Thank you.
मान लीजिए हमारा ये नदी समुद्र कुछ भी है, उस तरह का कोई सीन है, तो मित्रा पानी बना रहा हूँ, यहीं से दूर समुद्र का, इसमें क्या होता है जब बैक लाइट होती है शाम का समय में, तो ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं इधर ये आपको ब्लैकिश दिखती हैं। डार्क में रहता है और इस ब्लैक को करने के लिए मैंने ब्लू लिया, थोड़ा सा ग्रीन है, क्योंकि ब्लैक डायरेक्ट हम लोग करते नहीं हैं, ब्लैक का बहुत कम पेंटिंग में यूज़ होते हैं, तो मान लीजिए मैंने ये लिया और अब इस तरफ की जो भी चीज़ें होंगी वो थोड़ा सा डार्क दिखेंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं ये जो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहां पे आपको लैंडस्केप सिखाने नहीं बैठा हूं, मैं यहां पे इफेक्ट सिखाने बैठा हूं कि स्काई का इफेक्ट क्या होता है। थोड़ा थोड़ा लेकिन मैं उसमें एक लैंडस्केप टाइप का छोटा छोटा करते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए कि एक्चुअल में क्या दिखता है। तो अभी जैसे मैंने आप देख रहे हैं, मैंने चार तरह के स्काई बनाए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल भी करूँगा, जो बादल वाला है अभी सूख गया है, तो इसमें
से बना सकते हैं, हल्का हल्का आप दे सकते हैं। तरह से आप क्लाउडी स्काई को पेंट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों मैं कैसे काम कर रहा हूँ। किसी भी आर्टिस्ट का वीडियो देखिए या जो भी देखिए, उसको जरा ध्यान से देखिए कि ब्रश हैंडलिंग कैसे कर रहा है। वो जितना भी हमारा जो भी चीज़ है, जो भी हम बनाते हैं, वो ब्रश हैंडलिंग के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो आगे उठ के कैसा दिखेगा। ब्रश हैंडलिंग आपको समझनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। अलग अलग आर्टिस्ट लोग की अलग अलग ब्रश हैंडलिंग हो सकती है, अलग अलग आपकी भी अलग हो सकती है। किसी का एक दूसरे से मिलता नहीं है, इसीलिए हैंडवर्क को ज़्यादातर जो दी जाती है उसे आर्ट कहते हैं, उसको इसीलिए आर्ट कहा जाता है कि सबका अपना अपना हैंडलिंग होता है और इसीलिए उसकी कीमत भी होती है। ऐसे तो प्रिंटर तो छाप के रख देगा अच्छे से अच्छा भी, लेकिन उसमें एक रुकता होगी, फोटोग्राफ्स हो या जो भी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे। अभी ये मेरा हो गया, इसमें थोड़ा सा टोन मैं लगा देता हूँ। इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं,
मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको मैंने बना के दिखा दिया है। ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ब्रश बदल सकते हैं। अभी सिर्फ मैं मोटा मोटा एक काम आपको करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं एक ही ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे इस तरह से आप घेज भी सकते हैं, क्लियर करने के लिए बना सकते हैं, इस तरह से स्क्रेच कर सकते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, आप एक लैंडस्केप बना सकते हैं। वाटर कलर जो है, जितना आप इसमें खेलेंगे, जितना आप बनाएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए वाटर कलर बढ़िया रहेगा, उतना आपका साथ देगा वाटर कलर। वाटर कलर सीखना आसान नहीं है दोस्तों, ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसकी टेक्निक पकड़ना बहुत मुश्किल है। और ठीक है, सब अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन सही टेक्निक पकड़ने में समय लगता है। आप अगर सही से सीखना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, होगा ज़रूर, आप कीजिए। दोस्तों आप समझ गए मैंने क्या किया, आपने देखा, और
जैसे मैं इसमें मान लीजिए मुझे बोट बनानी है, तो यहाँ मैंने बोट बनाई, आप कुछ इस तरह से बोट बना सकते हैं। दोस्तों देखा आपने कि ये हमने आज स्काई बनाना सीखा, और स्काई के साथ साथ मैंने आपको इसका एटमॉस्फेयर जो ज़मीन पर पड़ता है उसका जो होना चाहिए मैंने थोड़ा सा वो भी आपको बना के दिखाया। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो, आप कमेंट जरूर करें, और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं वो मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। तो दोस्तों अब मैं इसको खोलूंगा, तो इसको खोलने से थोड़ा सा और अच्छा सा दिखता है, क्योंकि जो फैला हुआ कलर है देखिए दोस्तों। दोस्तों आपने देखा ये सुबह का जो मॉर्निंग समय होता है उस समय का स्काई कैसा होता है, दोपहर का कैसा हो जाता है, अगर क्लाउडी है तो वो कैसा दिखता है, और क्लाउडी में मैं और भी तरीके बताऊंगा, और भी अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा बड़े पेपर पे बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ये मैंने सनसेट का बनाया, तो इसी तरह के आप जो है ना अपना प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिए, और हो सके तो आप प्रैक्टिस करके कमेंट के साथ में एक इमेज भी भेजिए ताकि मैं उसे देख सकूं कि कौन क्या कर रहा है, मैं उसके लिए कमेंट भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें, ताकि जो बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते या जो टाइम नहीं दे पाते वो वीडियो के माध्यम से सीख सकें, जिनके पास पैसा नहीं है टीचर को पेड करने के लिए वो आराम से यहाँ पे फ्री में सीख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों